उसी पास्ट लाइफ में जाओगे जिसमें आपका कुछ इनकम्प्लीट चीज़ पड़ी है, तो आपकी सोल आपको वहाँ वहाँ डायरेक्ट करेगी। तो अनकॉन्शियस आपकी माइंड का वो हिस्सा है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी है जो आपने नहीं देखी। दैट वॉज वन ऑफ माई पास्ट लाइफ प्लेसेज वेयर आई यूज टू मेडिटेट। और जब मैं वो मेडिटेशन रिकॉर्ड भी कर रही थी, आई कुड सी फ्रॉम द वाटर देयर वॉज अ हैंड कमिंग आउट एंड गिविंग मी, वो ज्ञान था जो मैं वहाँ छुपा के गई थी पास्ट लाइफ में। पहला प्रस्पेक्टिव है कि मैं क्या देख भी पा रही हूँ कि मुझे लेसन क्या सीखना है, या मैं सारा दिन यही कंप्लेन कर रही हूँ, ये व्यक्ति भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। आपका माइंड इस समय चल नहीं रहा है। क्या बात कर रही हूँ, नहीं ठीक है। मान लो कि मैं अबॉर्ट करना चाहती हूँ, मान लो मैं अपनी माँ के घर में, और मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स के साथ मेरी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प नहीं होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी, और आज बात होगी पास्ट लाइफ रिलेशंस पे, पास्ट लाइफ कर्मास पे, और पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी पे। जी हाँ, ये पूरा एपिसोड पिछले जन्म पे आधारित रहेगा, और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। मैं ऋचा जिंदल जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। स्पिरिचुअल एंड कार्मिक कोच हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। पास्ट लाइफ को जनरली लोग बहुत ही ज़्यादा फैंसी मानने लगे हैं आजकल, कि अरे मैं कौन थी पिछले जन्म में, मैं कौन था पिछले जन्म में, बस पता लग जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्यों पता लगाना चाहिए पास्ट लाइफ? जो पास चला गया उसके बारे में पता लगा कि क्या करेंगे? देखिए, मैं खुद भी, मुझे अगर कोई बोलता है कि मैं आपसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहता हूँ, तो आई डोंट डू इट, बिकॉज आई हैव टू फर्स्ट नो द रीज़न ऑफ पास्ट लाइफ। अगर आप खाली ये जो फैंसी आपने अभी बोला वर्ड, अगर खाली इसलिए जानना चाहते हैं कि मेरे को ये पता चल जाए, सो इट हैज़ नो यूज़। जब भी पास्ट लाइफ करवाना चाहिए, द पर्पज़ शुड बी इफ़ देर इज़ समथिंग ब्लॉकिंग इन योर लाइफ। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मैं कोई चीज़ को सॉल्व कर रही हूँ, मान लेते हैं मैं एज ए ह्यूमन बहुत एफर्ट डाल रही हूँ अपनी लाइफ में कि मैं ये चीज़ को ठीक कर लूँ, बार बार करने के बाद भी वो रीअकर हो रही है, उस केस में पास्ट लाइफ के लिए जाना चाहिए, नहीं तो नहीं। ओके ओके, बीइंग अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जस्ट आप पास्ट लाइफ कराते, कोई चीज़ आपकी अचानक से खुल जाए जिसका आपको अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपने बोला, ज़रूरत क्या है? इफ़ इट इज़ नो पर्पज़ देन इट शुड नॉट बी सीन। एक बार में हम कितनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं? कई देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसी पास्ट लाइफ में जाओगे जिसमें आपका कुछ इनकम्प्लीट चीज़ पड़ी है, तो आपकी सोल आपको वहाँ वहाँ डायरेक्ट करेगी। ओके, हो सकता है 4 भी खुले, हो सकता है 10 भी खुले, हो सकता है आप 100th लाइफ टाइम में भी जाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 जन्म पीछे ही जाओगे, हो सकता है आप जो आज के जीवन को जी रहे हो वो पीछे 100 साल पहले का कोई इनकम्प्लीट काम पड़ा। अच्छा, तो कोई सेंचुरी से भी आ रहा हो सकता है। कई बार आप, अभी हम 2020 में है ना, 2024 में, तो हो सकता है आप 1974 या 1960 या 1900 में से भी आ रहे हो, तो इट कैन बी। बट आपका पर्पस होना चाहिए, वहाँ कोई इमोशनल सीड इनकम्प्लीट होगा तो ही आप जाओगे। ऐसे आपकी सोल आपको नहीं लेके जाएगी कि आप रैंडमली, अगर आपने मान लेते हैं 100 जन्म ले लिए, तो आपको 100 लाइफ टाइम्स में नहीं लेके जाएगी, किसी किसी स्पेसिफिक लाइफ में लेके जाएगी। अच्छा मैम, ये सोल जाती कैसे है? क्या ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज़ को ही टैप करते हैं, कैसे होता है ये? सबसे पहले तो सबकॉन्शियस, आप जानते हो अपने सबकॉन्शियस को। जैसे आप रात को लेटते हो, हाँ जी, तो आपको पता होता है कि आज इला तुमने ये काम गलत कर दिया, तो आप बातें करते हो उसके साथ। सो सबकॉन्शियसली यू नो व्हाट यू आर डूइंग। देर इज़ अ वेरी बिग पार्ट इन यू विच इज़ योर अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, जैसे हमारा ब्रेन है, हम एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन 2-5% अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? 95% हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा। काम कर रहा है वो मेमोरी स्टोर कर रहा है, वो चीज़ें पिक कर रहा है जो आपने देखी नहीं। जैसे आप मानो आप गाड़ी चला रहे हो, रजिस्टर नहीं किया आपने, लॉजिकली रजिस्टर नहीं किया, बट अनकॉन्शियसली वो आपके अंदर रजिस्टर हो। लाइक मे बी आई एम नॉट सीन दिस होल रूम, बट देयर कैन बी मैनी थिंग्स विच माई अनकॉन्शियस माइंड हैज सीन। सो इफ मे बी ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैं देख सकती हूँ, लेकिन बारीक बारीक चीज़ें मेरा नोटिस नहीं गया, लेकिन अनकॉन्शियसली सब कुछ रजिस्टर हुआ। तो अनकॉन्शियस आपकी माइंड का वो हिस्सा है जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन भी है जो आपने नहीं देखी। तो जब मैं पास्ट लाइफ में लेके जाती हूँ, आई वर्क ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, नॉट ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। तो ट्रांस जो एक स्टेट है जो आप अनकॉन्शियस टैपिंग करते हो, मैं उस पर काम करती हूँ। मैम, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास्ट लाइफ के रिलेशंस होते हैं
वो इस लाइफ में भी हों, और जब हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई सी भी पास्ट लाइफ, तो अचानक से वो रिलेशन दिख जाए। हाँ बिल्कुल दिख सकता है। अगर ज़्यादातर से देखो, हम जब स्पिरिचुअल दुनिया में वापस जाते हैं तो हमारी तरह वहाँ पे, जैसे हम मदर फादर बोलते हैं ना, वहाँ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इट्स लाइक अ कम्युनिटी। ओके, तो सोल कम्युनिटी होती है, लेकिन वहाँ से जब हम बर्थ लेते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ईला यू कम इन माई लाइफ, आई हैव टू लर्न दिस लेसन। सो ईला ऑल ऑफ अ सडन विल कम इन माई लाइफ एंड से लिसन, हम ये करते हैं काम, लेट्स से वी स्टार्ट अ बिजनेस, और फिर अचानक से आप मुझे धोखा दे दो। बिजनेस स्टार्ट किया, आप रिग्रेट करोगे, यार मैंने इस इंसान को जज नहीं कर पाई, मैंने ये किया। बट आपने ही प्री डिसाइड किया होता है कि भाई मेरे पास ईला आएगी, तो गलती ईला की नहीं है, चॉइस आपकी थी उधर से भी। यू हैड कमांडेड ईला टू डू दिस, कि ठीक है तुम आना और तुम मुझे धोखा देना, मेरे को उसमें से अपनी पावर को जानना है, मैं वहाँ से क्या निर्माण क्रिया क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जनरली हम कंप्लेंट करते हैं एज ए ह्यूमन, क्योंकि अब हमें डर लगता है, फ्यूचर का डर है, कल क्या होगा, तो हम वहाँ से अपने ऊपर ट्रस्ट छोड़ देते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत सारे लोग दिखेंगे, बट क्योंकि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस की स्पेस में हैं, आप वो चीज़ को देख के भी समझ नहीं पाते। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वन इज़ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वन इज़ द अवेकन्ड कॉन्शियसनेस, जो ब्रह्म चेतना जिसको बोलते हैं, जो सीड हम सबके अंदर है, बट हम उस सीड को देख नहीं पाते। आपने अपनी पास्ट लाइफ देखी है? ऑलमोस्ट 10 पास्ट लाइफ, 8 तो मैं अपनी 8 पास्ट लाइफ से मदर से भी मिली हूँ। 8 पास्ट लाइफ में आपकी अपनी मदर जो इस जन्म में? हाँ, इस जन्म में, और मैं फिजिकली भी मिली हूँ उनसे तो बट मैंने कभी उनको ये नहीं बताया। फिजिकली मिली हूँ का क्या मतलब है? मतलब देवर आई मेट हिम मेट देम विथ इन समबडीज एल्सिस लाइफ वेयर आई डिड नॉट शेयर दैट यू आर माई पास्ट लाइफ मदर, बट आई हैव मेट 8 पास्ट लाइफ मदर्स, बट मेरी अपनी 10 पास्ट लाइफ में खुल चुकी। और मैंने कोई थेरेपी नहीं करवाई, मैं कभी कोई पास्ट लाइफ के लिए नहीं गई, या मैंने खुद को भी पास्ट लाइफ में नहीं लिया। इट इज़ जस्ट दैट माई सोल व्हेन इट वॉज टाइम इट स्टार्टेड ओपनिंग। और मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई कि जब मेरा बेटा, सेकंड वाला बेटा मेरा, मैं प्रेग्नेंट थी, आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। तो ये जर्नी मेरी 26 की, जब मैं अब नाउ आई एम 50, सो ऑलमोस्ट इट्स बीन 24 ईयर्स नाउ। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई कि मेरा जो सेकंड चाइल्ड है वो थोड़ा डिफिकल्ट चाइल्ड था, मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। सो मेरे को मेरी कुंडलिनी अवेकन हो गई उस टाइम, जो मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक्चुअली कुंडलिनी भी अवेकन हो गई है, मुझे खुद ही नहीं पता था। जैसे हम तो फिजिकल दुनिया में होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, ये चैलेंज चल रहा है। और मेरा जब छोटा वाला बेटा है वो 18 साल का था, तो उसने मेरी एक पोस्ट बनाई। करीब सुबह मैं अपना काम करके 3:30 बजे सोई, तो वो मुझे उठाने आ गया, बोला मम्मी देखो आपकी एक पोस्ट बनाई है मैंने, हाउ डज दिस लुक। और जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखी ना, सो मेरे को उसके बाद नींद नहीं आई, बिकॉज दैट वॉज अ प्लेस वेर आई यूज टू मेडिटेट इन द पास्ट लाइफ। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने ये कैसे बनाया, सो ही थॉट कि मैं उससे पूछ रही हूँ कि किस तरह से उसने डिज़ाइन किया। तो वो मुझे ना एलिमेंट्स दिखा रहा था कि देखो, वो फोटोशॉप पे बना रहा था कि मैंने पहले ये लगाया फिर ये लगाया, एंड इट वॉज द सेम प्लेस वेर ही आई यूज टू मेडिटेट इन द पास्ट लाइफ, इट वॉज वन प्लेस इन द हिमालयाज। तो जब उसने मुझे वो दिखाया तो मुझे एक अचानक से रियलाइजेशन हुई कि इसकी कुंडलिनी भी अवेकन हो गई है, दैट इज़ वाई ही कुड इन दिस टाइम मेक दैट प्लेस। देन देर इज़ अ ब्रदर ऑफ माइन, मतलब वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है बट बने हुए, मैंने उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल किया, मैंने कहा भैया उसकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, इज़ अ कश्मीरी पंडित। तो मैंने उनको बोला, तो बोले भाई दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो लाइक माई सन हैज़ कम इन माई लाइफ फ्रॉम अ पास्ट to help me awaken my spirituality and I in return have awakened his spirituality. तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो गया था जब आप प्रेग्नेंट थी सेकेंड टाइम, ये किसने बताया आपको? मुझे फिजिकली नहीं पता। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे मेरी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी, तब मुझे वो खुद के अंदर से, जैसे मेरी सोल गाइडेंस आती है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, वहाँ से समझ डेवलप होनी शुरू हुई। ऐसे किसी ने भी नहीं, आपको जनरली नॉर्मल इंसान को भी जब कुंडलिनी अवेकन होती है उसको नहीं पता चलता। जनरली हम मैम कहते हैं कि कोई भी साधना या कोई भी ऐसे मिस्टिक पावर्स जो होती हैं, ये हम पास्ट लाइफ की कई जन्मों से साथ लेकर आते हैं। ऐसे ही कोई सोल अचानक से मिस्टिक पावर पजेस नहीं कर पाती है। तो आपने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी, क्या कभी आपने कोई साधक के रूप में, किसी हीलर के रूप में या कुछ ऐसे देखा है खुद को? कई सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन उसमें से एक जो इंसिडेंट है जो
सबसे पहले जो शुरू हुआ था मैं वहाँ से करूँगी, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैं इस्कॉन मैं वृंदावन जाती थी फिजिकली, कई साल तक जाती रही, बट जब शुरू में जाना शुरू हुई तो एक दिन मैंने ऐसे देखा कि मैं वहाँ पे एक द्वार है, मतलब वहाँ पे एक एंट्रेंस, अलग अलग डोर्स है, बट मैंने अपने आप को एक डोर से वहाँ मंदिर में खड़े, मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ, और अचानक से एक डोर से जाते हुए और उस डोर से निकलते हुए महसूस किया. उस दिन के बाद जब मैं रात को घर गई, मैं सोई, आई फेल्ट दैट आई हैव गॉन. मेरी बॉडी तो वहीं है, घर में सो रही है, बट मैं रात को मंदिर में जाती थी, मैं रोज़ वहाँ नाचती थी, डांस करती थी ऑन माई नीज एवरी नाइट. 8 ईयर्स तक ये सिलसिला चला, और मैं तब तक वहाँ नाचती थी जब तक मेरे घुटनों में से ब्लड नहीं निकल आता था, और सुबह मेरी टांगों में पेन होता था, माई नीज वुड पेन अलॉट. और तब मैंने अपने आप को एक क्या बोलते हैं आपका, देवदासी के रूप में देखा, कि आई वॉज एट वन लाइफ दिस ऑल्सो. फिर अभी कुछ 2021 में हमारा एक रिट्रीट था, वहाँ पे हम गए ऋषिकेश. तो ऋषिकेश पे हम एक अचानक से एक जा रहे थे जगह ढूंढने, क्योंकि हमारा रिट्रीट का ग्रुप आने वाला था. तो मैंने हस्बैंड को बोला चलो एक जगह देख के आते हैं, अचानक से बारिश होने लगी. तो हमें एक अचानक से आदमी मिला गाड़ी में, तो उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ मत जाओ, ये रास्ता बंद है. तो उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे हमें एक जगह ढूंढनी है. तो वो हमें खुद, उसका खुद का होटल रिजॉर्ट है वहाँ पे, वो हमें एक आदमी के पास ले गया, चाय वाला, चाय वाले की छोटी सी दुकान, राम सिंह उसका नाम है. हम उसके पास गए, वो हमें एक ऐसी जगह पे लेके गया, मेरे पास एक वीडियो है उसकी, मैं आपको कभी दिखाऊंगी. उस वीडियो में मेरी पूरी जो बॉडी है, पूरी एनर्जी वाइट हो गई. दैट वॉज़ वन ऑफ माई पास्ट लाइफ प्लेसेज वेयर आई यूज टू मेडिटेट. और जब मैं वो मेडिटेशन रिकॉर्ड भी कर रही थी, आई कुड सी फ्रॉम द वॉटर देर वॉज अ हैंड कमिंग आउट एंड गिविंग मी. वो ज्ञान था जो मैं वहाँ छुपा के गई थी पास्ट लाइफ में. सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम उन जगहों पे जाते हैं, वो जगह हमें बुलाती है. अब जैसे वो जगह के लिए मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, देर वॉज नथिंग दैट आई न्यू अबाउट इट एज अ ह्यूमन. उस जगह ने हमें बुलाया. फिर उसके बाद हमारे 18 स्टूडेंट्स आए. हम उसके बाद उस जगह पे मेडिटेट करने गए, तो एक पत्थर है, वो फोटो भी है, कई बार आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी. तो जहाँ पे वो है वहाँ पे कैक्टस के रूप में त्रिशूल बना हुआ है. अच्छा. फिर हम जब दोबारा एक साल के बाद गए, वो जगह पानी में समा गई थी. मतलब आपके लिए थी. यस, इट वॉज, इट हैपेंड दैट यू कम्प्लीटेड. तो जो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि पास्ट लाइफ से आप उस जगह पे जाते हो टू कम्प्लीट, आपने कम्प्लीट किया, वो खत्म हो गई, संपूर्णता जिसको बोलते. उसके बाद वो दोबारा वो आसन, और वो ऐसे नहीं है कि छोटा पत्थर, इतना बड़ा है. और मेरे लिए, नॉर्मल किसी भी लेडी के लिए, उतना ऊपर चढ़ना और उतरना वॉज नॉट ईजी. बट मैंने वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो उसमें मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा. और इतने सारे सिंगिंग बोल्स रखे हुए हैं, ट्यूनिंग फोक्स रखी हुई हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई वहाँ पे मैं हूँ. हम कितने अनअवेयर होके जीते हैं ना मैम. कितनी सारी चीज़ें हमारे पास आसपास होती हैं, लेकिन हमको लगता है कि सब कोइंसिडेंस है, सब अचानक से हो गया, रैंडम है सब. नहीं, एक भगवत गीता में बड़ी अच्छी बात बोली है भगवान कृष्ण ने, कि एक्चुअली ना आप योग माया में हो, योग निद्रा में हो. योग निद्रा में आपको पता ही नहीं चल रहा आपके आसपास क्या हो रहा है. तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज हम भी, वी हैव नॉट स्पोकन बिफोर, वी हैव नॉट मेट बिफोर, के तो जैसे अभी आपके कैमरा में दीपक सुन रहे हैं, या आपका प्रोडक्शन वाला बच्चा है, वो इसको कई बार सुनेगा. एक बार नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें एडिटिंग करनी है ना. लेकिन वो उस समय उस बात को कैसे सुनेगा? एक पॉडकास्ट की तरह सुनेगा, या एज अ सोल सुनेगा, कि उसके लिए भी यहाँ पर कोई मैसेज है उसकी स्पिरिचुअल? सबसे ज़्यादा इसको वही सुनेगा. दर्शक तो बहुत बाद में सुनेंगे. आप एक महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, डोंट नो हाउ मच टाइम यू टेक इन द प्रोडक्शन, बट टिल द टाइम इट इज़ नॉट आउट, तब तक बार बार वो बच्चा सुनेगा. पर वो कैसे सुनेगा, या सुन के भी सुनेगा ही नहीं, समझे? क्योंकि उसका काम क्या है कि मुझे क्वालिटी लाइट की, साउंड की, बस मेरा ध्यान इसी पे रहना चाहिए. तो उसमें बोली गई बहुत सारी बातें, उसकी सोल चाहती है वो सुने, राइट? पर वो सुनेगा नहीं, क्योंकि वो भी योग निद्रा में ही है. क्योंकि वो कहाँ देख रहा है अपने आप को, एक फिजिकल दुनिया में एक जॉब करते हुए, राइट? तो आपके सामने वो चीज़ें दोनों अवेलेबल हैं, एक समय पे एक ही साथ उसका सॉल्यूशन है. पर हम इन दोनों दुनिया को अलग अलग बांट चुके हैं.
पास्ट लाइफ रिलेशंस पे मैम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि एक पर्टिकुलर एक कोई रिश्ता है, या तो वो बॉस भी हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई घर पे सास नंद, खुद पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, इनसे बन नहीं रही है, बहुत परेशान है। क्या कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, या हमारी भी गलती हो सकती है, या तुम्हारा ही नेचर ठीक नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है? देखो मैं तो कहती हूँ गलती किसी की भी नहीं होती है, गलती सिर्फ देखने के भाव की होती है। अगर मैं देख ही नहीं पा रही, अब आप कुछ भी सवाल पूछे अगर मुझे उसका आंसर नहीं पता तो मुझे आपकी बात बुरी ही लगेगी ना, है ना। तो आपको अगर किसी की बात समझ नहीं आ रही तो आपको पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, दृष्टिकोण जिसको हिंदी में बोलते हैं ना। मुझे अपना दृष्टा भाव बदलना है। मान लेते हैं कि आपकी इस लाइफ में सास ननंद अच्छी नहीं है, कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप बॉस भी ख़राब हो सकता है, तो क्या ये पैटर्न है कि आपकी लाइफ में लोग ही वैसे आ रहे हैं? कई लोगों की लाइफ में मैम ये पैटर्न होता है। हाँ, तो वहाँ पे आपको क्या लेसन एज अ सोल लेना है? खुद में बदलाव लाओ। खुद में क्या नहीं देख पा रही, बदलाव तो देखो सेकंड चीज है ही ला। पहला प्रस्पेक्टिव है कि मैं क्या देख भी पा रही हूँ कि मुझे लेसन क्या सीखना है, या मैं सारा दिन यही कंप्लेंट कर रही हूँ ये व्यक्ति भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। पहले तो आप ज़्यादातर लोगों को यही देखोगे कि सारा दिन एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि शायद एक दिन अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वो होंगी नहीं। क्योंकि आप अगर नहीं बदलाव लाओगे अपने पर्सपेक्टिव में, तो आप जिस नई जगह जाओगे आप उसी एनर्जी और वाइब्रेशन से तो जा रहे हो। राइट राइट। तो यानी आप फिर पहले से ही यूनिवर्स को एक कमांड करके जा रहे हो कि मेरे लिए यही प्रॉब्लम रखना, तो आप कहोगे बॉस भी ऐसा है, बॉस अपने आप तो नहीं हुआ ना ऐसा, आपने कमांड किया कि मुझे बदलाव नहीं लाना। तो अगर मुझे बदलाव नहीं लाना तो फिर चीज़ तो वही आएगी आपके सामने। हाँ, अब पास्ट लाइफ का कनेक्शन है तो पास्ट लाइफ में आप ही ने चूज़ किया कि मैं ये डिफ़िकल्ट लेसन लेके आऊँ। आपकी लाइफ में कार्मिक प्रोटेक्टर हर एक की लाइफ में होता है। कार्मिक प्रोटेक्टर क्या है? जैसे आपको कोई ना कोई व्यक्ति प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा होगा। आप देखो आपकी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होगी, कोई तो आपकी लाइफ में अचानक आएगा आपकी हेल्प करने। ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं? डिफरेंट भी हो सकती है, ज़्यादातर सबकी लाइफ में एक फिक्स्ड होता ही है। जैसे कोई मित्र हो सकता है, किसी की मदर हो सकती है, किसी के फादर, ब्रदर, बेटा, कोई भी हो सकता है, बट होगा ज़रूर कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि जितना काम मैंने पास्ट लाइफ में किया है, मैंने एक चीज़ देखी है, जब आपके इमोशंस आते हैं ना आपका माइंड सिंक करता है, आप कहते हो अब सब खत्म, सब तबाह हो गया, उस समय आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको ज़िंदगी चलाने के लिए हेल्प करता रहे, सपोर्ट करता रहे, वरना आप बोलेंगे नहीं मुझे क्विट करना। कार्मिक प्रोटेक्टर ये है, कार्मिक प्रोटेक्टर हमेशा आपको सपोर्ट कर जाएंगे। कार्मिक डेट वो होता है जैसे हम डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये कम्प्लीशन करनी है, तो वो व्यक्ति आएगा वो आपको बहुत तंग करेगा, वो लेसन सिखाने में आपको अलग अलग तरीके से तकलीफें देगा, तो आपकी वो डेट कम्प्लीट करवा रहा है वो व्यक्ति, लेकिन आप उसको कर्स करते हो कि ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी का जहर है, या जो भी आप ह्यूमन लैंग्वेज में बोलते हो, बट वो एक्चुअली आपका हेल्पर है जो आपको उस कार्मिक स्पेस की अवेयरनेस दे रहा है कि आप उस अवेयरनेस में जाओ और उस अवेयरनेस से वो चीज़ को कंप्लीट कर लो। अच्छा मैम, कभी ऐसा भी होता है क्या? मतलब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, स्पेशली अब तो खैर शादी हो गई है तो बहुत सारे लोग हैं। जब भी मैं अकेले रहती थी, कॉलेज में थी, जॉब अकेले करने के लिए दिल्ली आई, तो कभी भी जब भी मुझे ज़रूरत होती थी तो कोई ना कोई हेल्प के लिए अननोन पर्सन, कोई ऑटो वाले भैया ही निकल के आ गए, या कोई बस वाले कंडक्टर भैया ही हैं हेल्प कर दी, या कोई ट्रेन में साथ में है और कुछ हो गया तो किसी पैसेंजर ने हेल्प कर दी। मांगी कभी नहीं भगवान से हेल्प। तो वो आपकी सोल, देखिए आपकी सोल भगवान ही तो है, परमात्मा का अंश ही तो है। मैं तो भगवद्गीता को देखती हूँ ना, तो एक बात मेरे को बहुत उसमें बहुत ही, मतलब मेरे को कहते ना मेरी लाइफ के जैसे बोलते कई कई एलिमेंट्स होते हैं वो चेंज कर गई, उसमें एक एलिमेंट था जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि उठा गांडीव, है ना, भगवद्गीता की, जब वो युद्ध का समय आता है और वो युद्ध नहीं कर पाते, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अर्जुन जैसा व्यक्तित्व जिसको इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, वो हार गया उस क्षण में, और उस क्षण में उसकी आत्मा, मतलब भगवान कृष्ण उस समय उसको बोल रहे कि उठा। तो बुद्धि हमारी कितनी कमज़ोर हो सकती है कि हम हेल्प भी नहीं मांगते। तो आपकी सोल ऑलरेडी सेट करके आई, कृष्ण अपने आप आ गए ना अर्जुन को, नहीं तो वो तो खाली रथ भी चला सकते थे, उन्होंने यही तो बोला था मैं तेरा सारथी हूँ, मेरा और कोई रोल नहीं है, बट उस समय उसने उन्हें नॉलेज भी दी, टीचर गुरु का रोल भी प्ले किया। तो आपकी सोल हमेशा आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, खुद हमारी सोल, खुद आपकी सोल हर समय ये मत कर ये कर ले,
इसको ये बोल दे। कई बार आपने देखा होगा, आप अचानक कहीं होंगे या अभी जैसे आप है, तो अचानक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, वो कहाँ से आएगा? वो आपकी सोल का क्वेश्चन है, आपके माइंड का नहीं है। आपका माइंड इस समय चल नहीं रहा है। क्या बात कर रही हैं? नहीं चल रहा, आपकी सोल बात कर रही है, क्योंकि वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने सोचे नहीं थे। तो आप उस स्पेस में चले जाते, पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोलते, अरे मैं कहीं क्या पूछ रही हूँ, यू अंडरस्टैंड? सो वो आप खुद अपने आप को वापस उस लॉजिकल स्पेस में लाते हो। तो आपके माइंड में दो ट्रांजिशन हर समय चल रहे होते हैं, आपका इंट्यूटिव साइड और आपका लॉजिकल साइड। और आप ज़्यादातर अपने लॉजिकल साइड पे रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है वहाँ से आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, आप लाइफ के फ्लो को हमेशा रोकते हो। सब इसी में जी रहे हैं आप। नहीं, मैं नहीं जी रही। सब में मैं नहीं हूँ। सो आई हैव लर्न्ड दिस लेसन डिफिकल्टली, बट आई एम हैप्पी दैट आई लर्न्ड इट, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द योग माया स्टेट की वो अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं है, हाँ, कि योग माया तो हर क्षण रहेगा, बट वो आपको देखने का एक डिफरेंस प्रस्पेक्टिव और दृष्टिकोण मिल गया आपको। मिल गया, बिल्कुल। क्या कोई टैलेंट्स भी होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं? बहुत सारे। आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चे ये श्लोक बोल रहे होते हैं, या बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस होते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से खुलती है, क्योंकि आपका जो मेडुला है ना, ये ब्लैक बॉक्स है आपका, सब स्टोर्ड है इसके अंदर। अभी आजकल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जंक डीएनए पे भी, कि आपके अंदर बॉडी में जंक डीएनए, आपके बॉडी में कोई जंक डीएनए नहीं होता, वो खाली एक स्टेट है, आज एक्टिव नहीं है, बट जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी बॉडी में खुद भी वो एक्टिवेट कर सकते हो, आपकी सोलो आपके लिए एक्टिवेट कर देगी। जैसे मैं बाय एजुकेशन एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मेरा ये प्रोफेशन नहीं था, बट मेरी सोल का ये पर्पस था, तो उसने ये सब एक्टिव कर दिया। तो आपके अंदर टैलेंट सबके अंदर है, जिस दिन आपने भी डिसाइड किया ना, मान लेते आप आज एंकरिंग कर रहे हो या आप स्पीकिंग ट्री के साथ हो, कल को आपको लगे कि यार ये बस हो गया, मैं सिंगिंग अच्छी करती हूँ लेकिन मैंने तो किया नहीं, आप करोगे, आप देखो आपकी पूरी वोकल्स चेंज हो जाएंगी। इट इज़ अ चॉइस। लेकिन हाँ, पास्ट लाइफ से बच्चे बॉर्न होते हैं, सोल्स आती हैं। इवन जैसे मान लेते हैं आपको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, उस समय भी आप बहुत सारी सोल्स को इन्वोक करके बुला सकते हो। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी आप बोल सकते हो, जैसे आप उसको कई लोग गर्भ संस्कार भी बोलते हैं, लेकिन गर्भ संस्कार इज व्हेन इट इज ऑलरेडी इन द गर्भ। जी जी, है ना। लेकिन गर्भ संस्कार से पहले का एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा एक बच्चा आए, ऐसी एक सोल आए, एक नॉलेजेबल सोल, एक ऐसा व्यक्तित्व। मान लेते हो किसी मदर को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को मैथ्स अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, या मैं इस तरह का बच्चा, तो आप उस तरह के संस्कार के बच्चों को, सोल्स को आप करेंगे। अब कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस पे काम बहुत करती हूँ, तो बहुत बार आप देखेंगे कि जैसे सोल जब माँ के गर्भ में आती है, तो कई बार अपने आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, मदर का कार्मिक डेट भी बड़ा होता है, क्योंकि 2 महीने के बाद सोल आती है, पहले तो इट इज़ जस्ट अ लंप, है ना। 2-2.5 महीने के अंदर जब हार्ट बीट आती है, तब सोल एंटर करती है मदर के गर्भ। तो वो देखती है कि ये मदर, ये पेरेंट्स के साथ क्या मेरा कार्मिक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्या ये जो मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आया हूँ या आई हूँ, वो मुझे यहाँ फुलफिलमेंट होगी। अगर नहीं होगी तो वो अबॉर्ट कर जाता है। कई बार पेरेंट्स अबॉर्ट नहीं करते, बच्चा खुद अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि सोल के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर वो सोल को लग रहा है कि भाई ये पेरेंट्स के साथ सिर्फ मुझे कलह कलेश मिलेगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो वो नहीं करेगा, आगे उस प्रोसेस को नहीं बढ़ाएगा। कई बच्चे होते हैं 8वें 9वें महीने में होने के बाद भी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, दे ट्राई टू स्टे, बट यहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बट वही जो आपने बोला कि सब लोग वही कर रहे हैं, एवरीबडी स्लीपिंग, तो दे डोंट रियलाइज, क्योंकि हमारा एम क्या होता है, बच्चा पैदा करना, सोल का प्रस्पेक्टिव समझना हमारा कभी मेंटल कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। आप आज भी देखिए लोग मंदिर जाते हैं, है ना, जल चढ़ाएंगे शिव जी को, शक्ति की पूजा करेंगे, अभी नवरात्रे गए हैं, शक्ति की पूजा करेंगे, गणेश वंदना करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट गणेश जी तो बुद्धि है ना। शक्ति तो आपके अंदर जो सूक्ष्म ऊर्जा रूप में है, वही तो है ना, पर आप उनको मूर्ति रूप में देख रहे हो, पर इंटरनल रूप में कभी आपने उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की। तो मेरे लिए बड़ा एक चिंता का विषय होता है कि वी डोंट इवन, वी आर सो स्लीपिंग दैट वी डोंट
cannot even understand these simple things. क्या कभी ऐसा होता है कि पास्ट लाइफ में हमें जिससे बहुत ज़्यादा प्यार हो हर जन्म में वो रिश्ता हमारे साथ आए? देखिए वो आपकी चॉइस होती है, अगर आपको लगता है कि अगर आगे चल के मेरा कोई इसमें लेसन फुलफिल नहीं हो रहा तो नहीं लाओगे आप। अच्छा, अब एक केस था 2017 की बात है, तो एक मदर और बेटे का आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि वो बच्चा मेरे ख्याल 7 साल का है, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तब की बात बता रही हूँ, दैट टाइम ही वो 7 ईयर्स ओल्ड। तो वो बच्चा जो था अपनी मदर को, वो स्पेशल चाइल्ड, फादर को वो अपनी मदर के पास आने ही नहीं देता, रोज़ उसको शाम को अपनी मदर के साथ ही पार्क जाना है, मूवी भी जाए तो मदर ही जाए। तो केस मेरे पास आया, पास्ट लाइफ में वो दोनों लवर्स थे, मैरिज नहीं कर पाए, इस लाइफ में वो उसका बेटा बन के आया। अब ध्यान देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है, कि ध्यान देने वाली बात है कि वो इतना प्योर लव है, इट हैज़ नो सेक्सुअल एलिमेंट, इट हैज़ ओनली इमोशनल बॉन्डिंग, मुझे प्रेम चाहिए और मेरी माता ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा। सो दैट चाइल्ड इज़ बॉर्न टू दैट मदर, माँ बन के उसके उसको अपने जीवन में अपनाया और उसके साथ रह रहा है। अब वो उसका पर्पज़ ही यही है, वो स्पेशल चाइल्ड है कि भाई अब मेरी माँ तो मतलब स्पेशल चाइल्ड को तो माँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, माँ ही रहेगी, बात भी सिर्फ माँ की सुनता है, स्कूल भी नहीं जाता, मतलब 24/7 उसको सिर्फ उसके साथ ही रहना है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो आपने बोला लव, अब ये भी लव का एक रिश्ता है जो पास्ट लाइफ से आया। मैम सोल जर्नी पे थोड़ी सी बात करते हैं, आप वूम थेरेपी भी कराती हैं, तो कैसे सोल जर्नी कैसे होती है कि डेथ हुई उसके बाद क्या फौरन आत्मा ने जन्म ले लिया, कब गर्भ में प्रवेश करती है आत्मा, क्या जर्नी रहती है? देखो बहुत इमीडिएटली नहीं होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी जैसे मेरे दादाजी डेथ की डेथ हुई और मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो मेरे दादाजी की आत्मा आ गई, ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केसेस में, अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि देखिए सोल्स ऑलरेडी वेटिंग में है। अभी आप देखो तो सोल वर्ल्ड से जब सोल आती है तो ऑलरेडी उनके पास बहुत इतनी बॉडीज नहीं है जितनी सोल्स वेट कर रही हैं। तो जब सोल आती है ऑलरेडी, मान लो कि मैं अबॉर्ट करना चाहती हूँ, मान लो मैं अपनी माँ के घर में और मुझे लग रहा है कि ये पेरेंट्स के साथ मेरी आगे की स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प नहीं होगी, उस समय कई सोल्स होती हैं जो वेटिंग होती है, वो सोल स्विच कर लेती है। या आप मानो कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, वो अचानक बाद में बदल जाता है, सो देर कैन बी अ सोल स्विच, कि बॉडी अभी अवेलेबल है टाइम के लिए अर्थ पे, तो वो सोल को नहीं रहना, लेकिन कोई और सोल है जो चाहती है। कई लोग इसको पोजेशन समझते हैं, पोजेशन नहीं है, सोल स्विच और सोल पोजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैम जो बंदा गया उसकी सोल तो चली गई, हाँ, और कोई और सोल आ गई, पर तो ये सोल है जो ह्यूमन बनना चाहता है। जब हम पोजेशन की बात करते हैं वो अवेटिंग सोल है, लेकिन जब हम पोजेशन की बात करते हैं वो एक ऐसी सोल है जो अर्थ पे रही गई, वो जा ही नहीं पाई वापस, तो उसके अंदर भी वो डिज़ायर्स ह्यूमनली आ गई कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब कोई सोल आपकी बॉडी को पोजेस करती है उसमें वो सोल आपको भी कुछ देती है, जैसे मानो एज ए ह्यूमन मुझे चाहिए सक्सेस, वो सोल कह रही है तो मुझे अपनी बॉडी में रहने दे, मैं तेरे को ये चीज़ें दे दूंगी। उस केस में देयर इज एन एक्सचेंज, दो रह सकती है एक बॉडी में सोल, पर कंट्रोल उसका होता है जो पोजेस करती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी बॉडी होती है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल एक्सचेंज करता है फॉर समथिंग इन द फिजिकल लाइफ। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, फिर जब उसकी डेथ होगी तो वो दोनों सोल निकल जाएंगे, दोनों ही जाएंगे, क्योंकि उसको वो मिल रहा है जो उसको खुद से वो फिजिकली नहीं क्रिएट कर सकता था बर्थ लेके भी, तो वो सोल उसको वो सब चीज़ें देती है। लेकिन जब हम सोल स्विच की बात करते हैं उसमें एक ही सोल होती है, जो नई सोल है वो होगी, पुरानी सोल चली जाएगी। तो क्या मैम ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग डेथ का एक्सपीरियंस करके 2-3 मिनट में वापस आ जाते हैं उनकी सोल स्विच भी हो सकती है? कई बार हो जाती है। तो फिर ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेंगे जिसकी सोल ही नहीं है और कोई और सोल उसके अंदर आ गई? हाँ, तो लेकिन वो सामने वाले को खाली उसके व्यक्तित्व से पर्सनालिटी चेंज से पता चलेगा कि ये वो नहीं है, बट हम एज ए ह्यूमन ना वो भी इग्नोर कर जाते हैं, नहीं तबीयत खराब हुई होगी तो शायद बीमार होने की वजह से ऐसी आदतें लग गई हैं, ऐसा सब हम सोचते हैं, बट देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। ओके, हम वूम थेरेपी भी बात कर रहे थे, फिर वो जो अवेटिंग सोल्स होती हैं उनके नंबर आते हैं कि अब कौन जाएगा, अब कौन वो है, फिर पेरेंट्स का, जैसे आपको क्योंकि आप दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक लेते हो ना, आप मदर का भी डीएनए लेते हो, फादर का भी डीएनए लेते हो, तो आप जनरली एक पेरेंट की कोई एक ऐसी चीज़ होती है या एंसेस्ट्रल लाइनेज जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको इस जन लाइफ में हेल्प करेगी। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उनके पास एक फाइटर स्पिरिट है,
फाइटर स्पिरिट मतलब कोई भी परिस्थिति हो उसमें लड़के निकल पाने की क्षमता क्वालिटी. तो मैंने बर्थ इसीलिए लिया इस फैमिली में कि मुझे वो चीज़ उनसे चाहिए थी अपने एंसेस्टर्स से, मतलब मेरी वो जो उनके पास शक्ति थी उससे मुझे इस लाइफ में हेल्प मिलेगी. तो हम कुछ ना कुछ अपने एंसेस्टर्स को, जैसे हम बोलते हैं पितृदोष है, पितृ एक दोष नहीं है. कोई आपके पास उनके पास कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको हेल्प करेगी. यानी आप ये पूरा ब्रह्मांड गिव एंड टेक पे चल रहा है. कोई सोल किसी को भी कुछ देगी तो उसको लेना है तो देना भी पड़ेगा. इट इज़ नॉट अ वन वे जर्नी, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दो रस्ते हैं. हाँ, लेकिन लोग ऐसे सोचते नहीं हमें तो सिर्फ मिले. तो आपके एंसेस्टर से भी आप कुछ ले रहे हो. मान लेते हैं आपके ऊपर कोई कर्स आया, जैसे कई लोग बोलते हैं ना ये हमारे पितृ दोष है. वो पितरों से आपने दोष क्यों लिया? क्योंकि आपका वहाँ पे लेसन है. लेसन से आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो उनके पास ऐसा कुछ है और आपके पास भी ऐसा कुछ है. आप उनसे ले रहे हैं और उसी को दे भी रहे हैं क्योंकि आप उस जेनेटिक डीएनए का पार्ट है. तो मैम क्या ऐसा भी होता है कि जो सोल वर्ल्ड की सोल्स वेट कर रही हैं उनका हमारी पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन ही ना हो और वो रैंडमली कोई भी सोल हमारे गर्भ में आ जाए? हाँ बिल्कुल आ सकती है. तो फिर लेसन, कार्मिक बॉन्ड तो कुछ है ही नहीं हमारे? नहीं, पर कार्मिक लेसन तो उस बच्चे का है ना. कोई लेसन कॉमन हो सकता है. ओके. क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला माँ का ज़्यादा रोल है. क्योंकि माँ का बड़ा कार्मिक डेट है बच्चे के साथ. बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, यानी माँ अपना ब्लड अपना खून सब कुछ पिला रही है ना. अब सब कुछ अपना दे रही है. यानी माँ की जो कार्मिक अकाउंटेबिलिटी है वो ज़्यादा है बच्चे के साथ. आपने एक श्रवण कुमार देखा है, उसके अलावा कोई श्रवण कुमार देखा है? क्यों, कहाँ कलयुग में श्रवण कुमार होता है? सतयुग में भी नहीं थे, एक ही श्रवण कुमार था, वरना कहानियाँ अलग अलग लिखी गई थी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज कि बच्चा हमेशा माँ बाप का नहीं करता है, माता पिता हमेशा बच्चों का करते हैं. कार्मिक डेट की बात हो रही है तो कार्मिक अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स की होती है. लोग हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारे बच्चे हमारा करेंगे, वो नहीं करेंगे. आपको लाखों में एक बच्चा मिलेगा जो अपने पेरेंट्स का थोड़ा बहुत करेगा, पूरा फिर भी नहीं कर पाएगा. अकाउंटेबिलिटी पेरेंट्स की ज़्यादा होती है, इसीलिए आप देखिए वो उनका धन खर्चा करते हैं पढ़ाई पे, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, हर एक चीज़ तो पेरेंट्स ही कर रहे हैं. आज तो आप देखो बड़ा कॉमन हो गया ओल्ड एज होम्स में भेजना बच्चों को. क्यों? पेरेंट्स भेज देते. तो पेरेंट्स को भेज देते बच्चे. क्यों भेज देते? क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसके बाद. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका कार्मिक डेट आपके बच्चों से आपका ज़्यादा है. तो बच्चों और माता पिता में हमेशा बच्चों का कम होगा, पेरेंट्स का ज़्यादा होगा. तो इसी तरह से जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो माँ की अकाउंटेबिलिटी फादर से ज़्यादा होती है. मदर का डेट बड़ा होता है तो मदर इसीलिए उसको 7 महीने अपने गर्भ में रखती है. फिर उसके बाद आप देखो फर्स्ट टच पॉइंट माँ ही रहेगी हर एक चीज़ में. फादर का मेजर रोल क्या होगा? पैसा कमा के लाना. आज भले ही देखो आप 3 महीने मदर को अगर मैटरनिटी लीव लेते मिलते तो फादर को 1 महीना मिल जाती है, बट फादर कितना जागता है? ज़्यादा तो आज भी मदर. तो आप देखिए भले ही सोशल चेंज आ रहा है फिर भी कार्मिक चेंज में आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा. तो हम सोशली बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम, बट कार्मिकली वो चीज़ें वैसे ही चल रही है आज भी. आज भी आदमी नहीं बच्चा पैदा कर सकता ना, औरत ही करती है. नहीं हुआ ना चेंज ये. सो इट मीन्स दैट द स्टिल अकाउंटेबिलिटी ऑफ कार्मिक डेट इज़ विथ मदर. माँ का ही कार्मिक डेट बड़ा है और लास्ट दिन तक भी वो माँ ही बच्चे को करती रहती है. बड़े होने के बाद भी माँ का हमेशा मोह रहता है बच्चे में. क्या सोल का कोई जेंडर होता है? नहीं, सोल इज़ प्योर एनर्जी, चूज़ करते हैं. एक्चुअली तो आप देखो ना ब्रह्मांड का भी कोई जेंडर तो नहीं है. प्लस और माइनस दो पोलैरिटीज़ है. हमने बॉडी में भी लिया, अगर मैंने फेमिनिन बॉडी भी ली, फीमेल बॉडी ली, तो भी मेरे पास मैस्कुलिन फेमिनिन तो दोनों ही है ना. शिव शक्ति मैं इसको ज़्यादा मैस्कुलिन और फेमिनिन की तरह समझाती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाता है कि आप अगर एक सेल की तरह देखें प्लस और माइनस चार्ज, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है. शिव इज प्लस एंड शक्ति इज माइनस. तो आप अगर उसको और सिंपली समझेंगे तो एक ही परिस्थिति में दो चॉइसेस है. एक कार्मिक पास्ट लाइफ है, एक कार्मिक करंट लाइफ है ना. तो आपको करंट में ही पास्ट को कंप्लीट करना जो हम देख नहीं पाते. जैसे माँ का बच्चे में मोह हो जाना तो वो अपना कार्मिक डेट भूल जाती है तो नए अकाउंट्स क्रिएट कर लेती है, फिर उसी को नेक्स्ट लाइफ में ले जाती है, फिर से बर्थ लेती है, फिर वही लेसन्स कम्प्लीशन, वही सीखना. तो बस ये इस तरह से ना साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता है. ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता. इसी बात को गौतम बुद्ध ने बोला कि ये जो पीड़ा हम उनको करते समय लेते हैं ना, पेन, वही डेट का रीज़न बन जाते हैं. लास्ट में मैम
पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के साथ तो प्लीज़। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हमेशा आज में जिए, टुडे नाउ इज़ द मोमेंट। अगर आप आज के क्षण को देख पाएंगे तो आप आज के क्षण में बहुत सारी पास्ट लाइफ की चीज़ें भी समझ पाएंगे। पास्ट लाइफ कभी करंट ही था है ना, और आज जो अभी का मोमेंट है ये कल आपका पास्ट लाइफ होगा। मतलब अभी आज जो हमारी ये कन्वर्सेशन है एक महीने के बाद ये पास्ट हो जाएगी। सो पास्ट भी इसी क्षण में है, प्रेजेंट भी इसी क्षण में है, फ्यूचर भी इसी क्षण में है। आप क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हुए देखा है। और पास्ट लाइफ तभी करवाइए जब आपको लगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ समझ लिया तब। क्योंकि कई बार कई चीज़ें खुलने जैसी होती है, कई चीज़ें खुलने जैसी भी नहीं होती है। मैं दोनों ही बोल रही हूँ, एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ही बोल रही हूँ। बेस्ट पार्ट होता है कि आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को देखिए, क्योंकि कर्मा इज़ द मेन की। हम कर्मा नहीं देखते, हम इधर उधर भागते। सो पास्ट लाइफ एक पार्ट है जो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन कर्मों का दोष आप हर्षण क्रिएट करें। अगर आप वो देखना दृष्टाभाव में सीख गए तो कार्मिक अकाउंट अगर क्लियर हो गया तो पास्ट लाइफ की टेंशन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।